तो हेलो दोस्तों, कैसे हो? मेरा नाम है इम्तियाज और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल टेक्नोज बाइक व्लॉग। तो आज मेरे पास TVS की अपाची RTR 160 बाइक, और इस बाइक में प्रॉब्लम ये आ रही है कि जब हम बाइक का सेल्फ मारते हैं गियर में तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होती है। जब हम इस बाइक का गियर में बाइक डालते हैं और क्लच दबाते हैं, सेल्फ का बटन दबाते हैं, तो बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए, बट ये स्टार्ट नहीं हो रही। न्यूट्रल में स्टार्ट हो रही, सेल्फ में स्टार्ट नहीं हो रही है। तो पहले तो आप लोगों को प्रॉब्लम दिखा देता हूँ मैं कि हमने चाबी को ऑन किया। देखो बाइक अभी न्यूट्रल है, तो इसका सेल्फ मारेंगे, बटन ऑन कर सेल्फ मारेंगे तो बाइक स्टार्ट हो रही है। अब ये बाइक स्टार्ट हो गई, अब इसको वापस से हम बंद करते हैं, बाइक को गियर में डालते हैं। बाइक को गियर में हम डाल लेते हैं, थोड़ा सा इसका पहिया घुमाते हैं और बाइक को गियर में डाल लिया। गियर पड़ गया बाइक में, ये देखो पहला गियर बाइक में पड़ चुका है। और अब हम इसका क्लच जो है क्लच दबाएंगे, इस तरीके से दबाएंगे और सेल्फ का बटन मारेंगे तो बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए, बट ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो मैंने क्लच को कपड़े से बांध दिया है, ये देखो बांध दिया है, और अब मैं इसका जब सेल्फ दबाऊँगा तो ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो क्लच हमारा बंधा हुआ है, बाइक का सेल्फ मारते हैं, ये देखो बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। क्लच दबाने पे बाइक स्टार्ट हो जानी चाहिए गियर में बाइक है तो, बट ये बाइक स्टार्ट नहीं हो रही है। देखो क्लच पूरा दबा हुआ है, बाइक गियर में है और स्टार्ट नहीं हो रही है। बटन को ऑन कर लेते हैं, ये देखो ऑन तो था ही पहले से, ये देखो स्टार्ट नहीं हो रही। तो ऐसी प्रॉब्लम है बाइक में। अभी जब हम इसकी इस क्लच को, ये जो क्लच हमारा, इस तरीके से नीचे की तरफ प्रेस करेंगे और इस तरीके से दबा देंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। जो बटन दबाएंगे तो बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो मैं आप लोगों को एक बार नीचे की इस तरफ से करके दिखा देता हूँ। ऐसे ही जो हमारा लीवर है, लीवर को हम बिल्कुल नीचे करके दबाएंगे तो हमारा सेल्फ काम करेगा, लेकिन हम अगर सीधा दबाएंगे क्लच को तो हमारा जो सेल्फ है वो काम नहीं करेगा। ये जो मैंने कपड़ा से क्लच बांधा था इसे मैं खोल लेता हूँ और अब किसका क्लच दबाता हूँ। देखो सीधा हम क्लच दबाएंगे तो हमारी बाइक सेल्फ से स्टार्ट नहीं हो रही। जैसे हम इसको नीचे की तरफ इस तरीके से दबाएंगे क्लच, और अब जो बटन दबाएंगे इसका, तो हमारी बाइक स्टार्ट हो जाएगी। तो चलो मैं आप लोगों को ये चीज़ करके दिखाता हूँ। यहाँ पर हम क्लच दबाते हैं, ये नीचे बिल्कुल करके दबाया है, और अब इसका सेल्फ मारेंगे बाइक स्टार्ट हो जाएगी। देखना ये देखो, ये हमारी बाइक स्टार्ट हो रही है, स्टार्ट हो रही है। और ये क्लच देखो नीचे की साइड में ही दबा के रखा है मैंने, तो इस तरीके से बाइक में प्रॉब्लम है। और जब इसका क्लच सीधा पकड़ के इस तरीके से दबाएंगे, अब हम बटन दबाएंगे तो ये बाइक स्टार्ट नहीं होगी। ये देखो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो ये प्रॉब्लम है। क्लच को नीचे अगर करके प्रेस करेंगे तो स्टार्ट हो जा रही है, सीधा क्लच दबाएंगे तो स्टार्ट नहीं हो रही। तो ऐसे में क्या प्रॉब्लम होती है आप लोगों को ये बताएंगे। देखो यहाँ पे जो हमारा क्लच, इस तरीके से हम प्रेस करते हैं तो यहाँ पे एक क्लच स्विच लगी होती है, वो स्विच में प्रॉब्लम है जो यहाँ पर लगी होती है इस जगह पर, ये। तो इससे मैं क्या करता हूँ, चेंज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो चलो हम इसे चेंज कैसे करना आप लोगों को वो बताते हैं। ये जो बोल्ट लीवर का लगा हुआ है इसे हम खोलते हैं, पहले इस बोल्ट को खोल लेना, नीचे 8 नंबर का बोल्ट होता है इसे भी खोल लेना है। और उसके बाद ये जो स्क्रू हमारा ये खुल गया, इसे हम रख देते हैं यहाँ पर। देखो छोटा वाला ये इसका जो नट है वो नीचे लगा रहता है। और अब जो हम इसका जो लीवर है वो करेंगे अलग अलग, बिल्कुल से नहीं करना है। लेकिन उससे पहले आप लोगों को करना है, योक का जो बोल्ट 10 नंबर का लगा हुआ ये वाला, इसे लूज कर लेना ताकि हमारी जो वायर है, क्लच स्विच है, वो बिल्कुल आसानी से निकल जाए। और अब यहाँ पे हमारी जो स्विच लगी होगी, ये देखो ये ऊपर नीचे हो रहा है ये, अब आप आराम से जो है स्विच निकाल सकते हो, लगा सकते हो। तो चलो हम ये जो स्विच लगी हुई है ये वाली, इसकी पहले वायरिंग निकालते हैं। जहाँ पे हमारी वायर लगी हुई है नीचे यहाँ पे हेडलाइट में, तो पहले यहाँ पे आप लोगों को वो वायर थोड़ा सा खींच के देख लेना है कहाँ पे जॉइंट है, और फिर उसको क्लिप से करना है अलग। तो ये वाली वायर है क्लच स्विच की, तो हम इसे क्या करेंगे, निकालेंगे इस तरीके से, और यहाँ पे ये हमको मिल जाएंगे कपलर दो, तो इन्हें खींच के इस तरीके से निकाल देना है। अभी इसमें दो वायर हैं, देखो दो यहाँ पर भी दो हैं, और हमारी जो स्विच में वो भी दो ही हैं। तो अब हमको निकालना है इसका स्विच जो हमारा पुराना वाला है क्लच स्विच। तो ये लीवर को हमको इस तरीके से पकड़ के रखना है, इस तरीके से पकड़ के रखोगे इस तरीके से, यहाँ पे रुक भी नहीं रहा है। और ये जो स्विच है, ये स्विच को यहाँ से आप लोगों को बाहर की तरफ निकालना है, ये इस तरीके से, उस साइड से निकलेगा हमारा, इसको इस तरीके से निकाल, क्लच अटक रहा है इसका लीवर, तो चलो यहाँ पे हम इसे बैंड कर देते थोड़ा सा। और अब यहाँ से हमारी जो स्विच है वो निकल जाएगी बिल्कुल आराम से, ये देखो इस साइड से निकलने लगी। और अब क्या करना आप लोगों को, इसे पकड़ के
खींच लेना है, आपकी जो स्विच है वो पूरी बाहर निकल जाएगी। तो चलो हम इसे खींच लेते हैं, ये आराम से निकल जाएगी, यहाँ पे फंसेगी अभी। तो इसे क्या करेंगे, दोनों को अंदर कर देंगे और फिर इसे निकाल लेंगे। ये निकल गई पूरी स्विच, ये हमारी जो क्लच स्विच है ये गियर में बाइक को स्टार्ट करती है सेल्फ से। तो ये स्विच इस तरीके से प्रेस होती है, ये जब हम क्लच दबाते हैं तो ये स्विच खुलती है और जब हम क्लच छोड़ते हैं ये स्विच बंद हो जाती है। तो इसे हम चेंज करते हैं और देखते हैं प्रॉब्लम जो हमारी है वो सॉल्व हो रही है या नहीं हो रही। तो चलो इसकी नई, ये है TVS की ओरिजिनल क्लच स्विच, जेन्युइन है बिल्कुल। इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस है इसका 62 रुपीज़, 62 रुपये की ये जो स्विच है ये आती है 62 रुपये की। और आपका जो फिटिंग चार्ज वो अलग लग जाए, लग सकता है, मतलब ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि जो भी बंदा फिट करेगा तो चार्ज तो अपना लेगा ही लेगा। तो ये दोनों जो स्विच हैं ये देखो बिल्कुल सेम, ये बिल्कुल सेम है, ये अपाची की ही स्विच है। और अब इसे करते हैं हम बाइक में फिटिंग। तो चलो फिटिंग का प्रोसेस आप लोगों को बता देते हैं कैसे फिटिंग करना है। इसमें भी आप लोगों को एक ट्रिक है जो वो लगानी पड़ेगी, क्योंकि ये ऐसा ही नहीं फिट हो जाएगी। तो पहले हमको वायर को निकाल लेना है, इस तरीके से खींच के इस तरीके से वायर को डालना है और उस साइड से खींचना है, ये आराम आराम खींचना है, ये निकल जाएगी यहाँ से। थोड़ा सा और बाहर कर लेते हैं इसे, ये हमारी जो स्विच है ये अब खींच लेंगे, ये आराम से बाहर ये आ गई। और अब इस स्विच में एक आप लोगों को डॉट मिलेगा, ये वाला जो डॉट है ये वाला किस जगह पर रखना है। ये जो डॉट आप लोगों को नज़र आ रहा है ये, इस डॉट को आप लोगों को रखना है। ये डॉट जो अगर आप लोग गलत लगा रहे हो, ये डॉट कहीं और जा रहा है तो आपका जो क्लच स्विच है वो ख़राब हो जाएगा। तो इस वजह से डॉट को आप लोगों को रखना है ऐसे। थोड़ा सा इसे अंदर करके मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखो ये जो डॉट है ऐसे रहेगा, ये इस तरीके से लगेगा, इसे इस तरीके से घुमा के नहीं लगाना वरना क्लच स्विच ख़राब हो जाएगी, ये ऐसे ही लगेगा। और अब आप लोगों को यहाँ से पकड़ के खींच लेना है, बिल्कुल आराम से बैठ गई क्लच स्विच हमारी, बैठ चुकी है। तो चलो मैं आप लोगों को बिल्कुल एक बार लाइट जला के दिखा देता हूँ। ये देखो ये डॉट कहाँ पे जा रहा है, उस साइड में, तो वहीं पे आप लोगों को ये डॉट रखना है क्लच स्विच का। बाकी अब जो है हम इसका जो क्लच लीवर है ये यहाँ पे लेंगे और जो इसका बोल्ट था, स्क्रू था, वो लगा के टाइट कर लेंगे पहले लीवर को। तो लीवर हमारा टाइट हो चुका है, टाइट हो गया। योग वाला जो बोल्ट था वो भी हमने टाइट कर दिया, जो 10 नंबर का खोला था ये वाला, इसे भी हमने टाइट कर दिया। अब इसकी जो वायर है, वायर को ज्वाइन करते हैं इसके कपलर में। तो चलो यहाँ से हमको वायर निकाल लेना है, ये जो क्लच केबल लगी हुई है इसके पीछे से निकालना है, इस जगह से यहाँ से निकाल लेना है और इसे खींच के हमको पूरी बाहर कर लेना है इस तरीके से। ये हमारी जो वायर है ये क्लच स्विच की, ये बाहर हो जाएगी। अब इसके बाद इसको अंदर आप लोगों को कर देना है, और पहले आप लोगों को वायर जॉइंट कर लेना है फिर आप लोगों को अंदर कर देना है। तो ये दो वायर हैं, इसमें आप लोगों को ध्यान देना है, वायर अलग नहीं जॉइंट करना है। वायर अलग जॉइंट करोगे तो फिर भी प्रॉब्लम होगी, तो वायर को आप लोगों को ध्यान से देख के जॉइंट करना है। यहाँ पर जो हमारी दो वायर हैं, यहाँ पर देखो एक वायर हमारी जो है हरी है और एक वायर ब्लैक और वाइट है। तो ब्लैक और वाइट, ये देखो ब्लैक और वाइट है, और एक जो हमारी अर्थ वाली है, मतलब जो हमारी हरी वाली है वो हरी है। तो यहाँ पे देखो ब्लैक और ब्लू, ये ब्लैक और ब्लू, और एक में हरी है और एक में लाल है, मतलब लाइनिंग जो है वो लाल है। तो हरी वाली को हमको क्या करना है, ऊपर लगाना है। ये जो नीली वाली वायर है, नीली वाली को हमको ऊपर वाली में लगाना, और जो हरी वाली वायर है वो तो आप लोगों को नज़र आ रही होगी, आप लोग लगा सकते हो क्योंकि वायर में ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अब हमको इसको कर देना है अंदर, जो हमारी बाहर दिख रही है वायर इसे कर देना है अंदर, इस तरीके से अंदर कर देना है। और अब हम बाइक को ट्राई करते हैं, जो गियर में बाइक स्टार्ट नहीं हो रही थी, स्टार्ट अब हो रही है या नहीं। तो बाइक हमारी गियर में ही है, ये देखो गियर में ही है, इसका क्लच प्रेस करते हैं, बाइक का सेल्फ मारते हैं, ये देखो बाइक स्टार्ट हो गई। और अभी नीचे ऊपर क्लच को नहीं करना पड़ रहा है, क्लच नीचे ऊपर नहीं करना पड़ रहा है। ये देखो ये जैसे ही हम इसे दबाएंगे, ये बंद करता हूँ चाबी, वापस से हम चालू करते हैं। देखो क्लच को मैं सिंपली दबाया, बिल्कुल सीधा, ये देखो बिल्कुल सीधा दबा रहा हूँ। अगर इसे हम हाफ दबाएंगे तब भी ये काम करेगा। ये देखो ये क्लच को दबाया और बटन को, जैसे ही हम प्रेस करेंगे बाइक स्टार्ट हो जाएगी। ये देखो बाइक स्टार्ट हो रही है। तो जो प्रॉब्लम थी वो थी क्लच स्विच से, बाइक गियर में स्टार्ट नहीं हो रही थी, वो प्रॉब्लम थी क्लच स्विच से। तो सारी जानकारी आप लोगों को मैंने दी कि इसकी क्लच स्विच आप लोगों को कैसे चेंज करना है, और ये पुरानी वाली जो क्लच स्विच है ये हमारी ख़राब हो चुकी है।
तो कुछ इस तरीके से हमने इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया। बाकी ये वीडियो कैसी रही आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताना, और अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियो मैं लाता रहूँ। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।